हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीटा ऐप का फुल एडिटिंग ट्यूटोरियल। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐप का ट्यूटोरियल देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐप फ्री है या आपको पेड नहीं है। तो आप बेसिकली इसको आपके इंस्टाग्राम के रील्स, स्टोरीज या यूट्यूब वीडियो किसी के लिए भी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो हमने वीटा ऐप स्टार्ट कर दी है। ये इसका होम जो मेन पेज होता है वो पेज है। इसमें यहाँ पे ये जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं ये मैंने अभी तक बनाए हैं। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं की तो इसमें कुछ नहीं होगा, खाली होगा। लेकिन अगर आपने यूज़ किए तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने एडिट किए हुए वो यहाँ पर सेव होंगे। और प्रोजेक्ट के बाजू में आप देखोगे तो वहाँ पर टेम्पलेट्स है, रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ नीचे पे होम टेम्पलेट लिखा है, होम के बाजू पे, वहाँ से भी मिल जाएंगे। पॉपुलर, इंस्टाग्राम रिलेटेड, आपको इंस्टाग्राम में रील्स बनानी हो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएंगे। म्यूज़िक के साथ आपको बस आपकी इमेज और कोई भी फ़ोटोज़ जो भी इसमें जितने चाहिए उतने आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग, फ्लैश, जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी, मैं एग्जांपल के लिए आपको कोई भी दिखाती हूँ। ये वाला ओपन कर लिया है। अब इसमें हमें ये वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिखा हुआ है वो है 50 सेकेंड। यूज़ नाउ लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको 14 फ़ोटोज़ डालने हैं। तो इसमें से आप कोई भी 14 फ़ोटोज़ आप सिलेक्ट करके आपको रेडीमेड मिल जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ फ़िलहाल के लिए। ये मैंने सिलेक्ट कर दिए है, प्रोसेस हो रहा है। इसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, सो आप ऐप बंद मत कर देना वरना फिर से सारी प्रोसेस शुरुआत से करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हो रहा है वैसे ही। अगर आपको कोई भी फ़ोटो हो वो अगर आपको उसमें चेंज करनी हो तो उस फ़ोटो के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे ये 10 वाली फ़ोटो है वो चेंज करनी है, तो मैं 10 के ऊपर ले जाऊंगी, वीडियो स्टॉप करूंगी और ये जो एडिट वाला आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एडिट या चेंज द मीडिया। तो चेंज द मीडिया में आप वो फ़ोटो चेंज कर सकते हो किसी भी फ़ोटो के साथ। उसमें मैंने ये फ़ोटो डाल दी, चेंज कर दिया। और अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको या तो इसे जूम कर सकते हो या तो जूम आउट कर सकते हो। बस यही दो ऑप्शन है, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आप आपके फिंगर से भी कर सकते हो, नीचे जो टूल दिए गए हैं उससे भी। और एक्सपोर्ट लिखा है, उसके बाद ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग में भी इसमें टाइम लगता है, तो जब आप एक्सपोर्ट करो तो उसे ऐप को बंद ना करे या फ़ोन को बंद ना करे, वरना वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये टेम्पलेट वाला था, एग्जिट कर देते। सारे टेम्पलेट्स वैसे ही यूज़ करने हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट रिलेटेड। और अगर आपको आपका खुद का कोई वीडियो एडिट करना हो तो आप तो पहले क्या करें, यहाँ पे जो सेटिंग है उसमें जाके ये जो वाटर मार्क वाला, ये अगर आपका ऑन होगा तो इसे ऑफ कर दे। अगर आपका ये ऑफ रहेगा तो वीटा का वाटरमार्क इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वो पहले आप ऑफ कर दे, बाकी कोई भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको आपका खुद का एडिट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्लिक करें। तो उसके बाद ये जो वीडियो जो भी आपके फ़ोन में होंगे वो वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी के लिए एक ही वीडियो मैंने लिया है, ठीक है, इसे मुझे एडिट करना है। लेकिन अगर आपने एक वीडियो लिया है उसके बाद आपको दूसरा भी इसमें ऐड करना है तो ये जो प्लस वाला लिखा है उस पर क्लिक करिए। और आपको ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही ऐड कर सकते हैं, आप इमेज भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये वाला सेकेंड वीडियो ऐड कर दिए। अब हमने दो वीडियोस ऐड कर लिए, लेकिन हमें जो पहले ऐड किया वो पीछे चला गया और दूसरा वाला पहले आ गया है। तो हमें जो पहला वाला है उसे पीछे लाना है। उसके लिए जो फर्स्ट वाला जो वीडियो है ये वाला, उस पर प्रेस करके रखें और उसे
साइड में ले जाए तो ये लास्ट में आ जाएगा। देखिए हो गया लास्ट में। और अब बात करते हैं सारे टूल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टाइल वाला टूल दिखेगा, जिसमें आप डिफरेंट स्टाइल से वो आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, आपके वीडियो के ऊपर अप्लाई भी हो जाएगी। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। ये हेलोवीन स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। मैं सारी स्टाइल आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो राइट लिखा हुआ है कॉर्नर पे, आप वीडियो पूरा चेक कर ले, उसके बाद आपको अगर पसंद आया तो आप ये स्टाइल रखें, वरना ना रखें। लेकिन एक बार अगर आपने स्टाइल अप्लाई कर दी तो उसके बाद आपको अगर स्टाइल फिर से हटानी हो तो आप नहीं हटा सकते। इसलिए स्टाइल अप्लाई करने से पहले सोच ले कि आपको ये अप्लाई करनी है या नहीं करनी। इसमें नियोन स्टाइल भी है, ये देखिए। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं, नहीं पसंद तो बैक चले जाइए। उसके बाद है मेन जो है वो है एडिटिंग। इसमें एडिटिंग का ये फ़ायदा है कि आपको साउंड्स पे भी आप एडिट कर सकते हो। तो जहाँ से भी आपको कट करना हो, दो हिस्से करने हो एक वीडियो के, जो स्प्लिट वाला लिखा है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो दोनों के अलग भाग हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं दोनों अलग अलग हो गए। ले उसके बाद है फ्रॉम नाउ। तो जहाँ पे आप ले जाओगे, यहाँ पे मैंने रख दिया है, वहाँ पे फ्रॉम नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा, आगे का जो पोर्शन है वो कट जाएगा। और अगर आपको उसे अंडू करना है तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला एरो दिया है वहाँ पे आप क्लिक करके अंडू हो जाएगा। ये देखिए लिख के आ गया। उसके बाद है अनटिल नाउ। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पे भी आपकी लाइन होगी तो वो वीडियो वहाँ तक ही हो जाएगा, बाकी का पीछे का पोर्शन कट जाएगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है स्पीड। तो स्लो मोशन, फास्ट मोशन, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये वीडियो फास्ट हो जाएगा। देखिए ये वीडियो फास्ट हो गया। और अब हम इसे क्लियरेंगे स्लो मोशन में, तो ये स्लो मोशन में हो गया। आपको अगर सभी वीडियो स्लो मोशन में करने हो तो आप अप्लाई ऑल लिखा है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको एक ही करना है तो आप आपके हिसाब से उसकी स्पीड को चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। कई सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम नहीं रखना होता, आपको अलग से म्यूज़िक डालना है, तो आप ये जो कट किया हुआ है उसका आप वॉल्यूम यहाँ पे रख कर दे, ये जो कट किया है उसका वॉल्यूम आप ज़ीरो पे कर दे तो इस पे यहाँ पे लिख के आ जाएगा इसमें वॉल्यूम नहीं है। और अगर आपको पूरे वीडियो में ही वॉल्यूम नहीं चाहिए तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दे। डिलीट वाला तो सबसे इजी है, आपको पता ही है, डिलीट कर दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है रिवर्स वाला। इससे जो भी वीडियो है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है एनिमेशन। यहाँ पे फेड इन, फेड आउट और डायनामिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ फेड इन फेड आउट कैसे होता है। यहाँ पे हमने एक फेड इन पे क्लिक किया, ये आपको अलग अलग एनिमेशंस जो है वो आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे फेड इन चाहिए। ये वाला फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं अप्लाई, तो ये देखिए आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये फेड इन हुआ। हमको ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, तो ये वाला कर देंगे जूम आउट वाला। जो भी आपको इफ़ेक्ट्स पसंद हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही ये सारी इफ़ेक्ट्स है फेड आउट और डायनामाइट में भी। उसके बाद है फ्रीज। फ्रीज में कुछ नहीं, आपका वीडियो फ्रीज़ हो जाएगा बस। ये देखिए फ्रीज़ किया, फ्रीज़ हो गया और उसके बाद चलने लगेगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई सारी ऐप्स में एडजस्टमेंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें ही मुझे दिखी। तो यहाँ पे आप वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन, जो भी आपको एडिटिंग चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और आपको सारे वीडियो पे एक जैसी चाहिए तो अप्लाई टू ऑल, तो सारे वीडियो पे वही हो जाएगी कैंसल। यहाँ पे है मास्क। मास्क बेसिकली ये डिफरेंट टाइप से मास्क है, जिसमें अगर आपको सर्कल वाला मास्क लेंगे रेडियल तो आप ये सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करेगा, देखिए, और उसके बाद वो कहीं पे भी फोकस नहीं करेगा, देखिए ये मास्क का काम है। ऐसे ही कई सारे मास्क से जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद एक कॉपी तो बेसिकली कॉपी पे क्लिक करोगे तो उस वीडियो की सेकंड कॉपी बन जाएगी। उसके बाद है बैकग्राउंड, आपको इसमें ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, आपको कलर वाला चाहिए, इमेज चाहिए, जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है स्केल, आप वीडियो को स्केल करके आपके हिसाब से फिट कर सकते हो। ये देखिए स्केल कर दिया मैंने, प्ले करते देखिए पूरा वीडियो स्केल हो गया है। उसके बाद है रोटेट, आपको रोटेट करना हो कितनी डिग्री आपको रोटेट करना है, मिरर जैसा फ्लिप करना है, उल्टा फ्लिप करना है, जैसे भी आपको रोटेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस, रिप्लेस बेसिकली आपको इस वीडियो की जगह पे कोई और दूसरा वीडियो ऐड करना हो तो रिप्लेस का यूज़ करना होता है। तो ये एडिटिंग वाले टूल्स हो गए। अब है एडिटिंग के बाद है रेशियो, रेशियो पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको डिफरेंट रेशियो मिलेंगे। आपको अगर यूट्यूब रिलेटेड वीडियो एडिट कर रहे हैं तो 16:9, इंस्टा की रील, जैसे भी आप वीडियो जैसा भी आप चाहते हो आप उसके हिसाब से रेशियो कर सकते हो। ये देखिए डिफरेंट रेशियोज हम कर सकते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट इसमें बहुत अच्छी है। आप बेसिक इफ़ेक्ट्स जो होती है जूम इन जूम आउट या फिर रिकॉर्डिंग वाला वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जो भी इफ़ेक्ट्स आपको चाहिए। उसके बाद है फ्रेम्स, जो कि ज़्यादातर मैंने इंस्टा में यूज़ की हुई है ये फ्रेम्स। ये देखिए फ्रेम्स आपको जो भी चाहिए आप वो वाले यूज़ कर सकते। फेस इफ़ेक्ट्स भी इसमें बहुत अच्छी है, ये देखिए फेस इफ़ेक्ट्स परफेक्ट आ रही है एकदम, ब्लिंक मोशन कई सारी इफ़ेक्ट्स है, आपको जो पसंद हो एनीमे इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे कार्टून रिलेटेड, जो पसंद हो वो वाले उठा लो और यूज़ करो, फनी इफ़ेक्ट्स भी है। और उसके बाद है एनीमे, एनीमे तो आपको पता ही अभी मैंने दिखाया आपको वही। उसके बाद है म्यूज़िक, म्यूज़िक आप दो तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐड म्यूज़िक लिखा है उससे या फिर नीचे म्यूज़िक है उससे। म्यूज़िक पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसमें फर्स्ट वन है म्यूज़िक ऐड करना, तो आप बेसिकली इसमें जो भी म्यूज़िक हो आप वो वाले ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, किड्स कैफ़े यूट्यूब एटम, जो भी आपको पसंद हो आप वो वाले यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक के बाजू में ही आपको दिखेगा इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट जैसे कोई पॉपअप हो, कैमरा हो, शटर हो, जैसे कोई स्क्रीमिंग हो, हंस रहा हो, ऐसी सारी इफ़ेक्ट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद है डिवाइस, आपके फ़ोन में जो गाने हो कोई म्यूज़िक हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है वीडियो वाला, ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें आप कोई भी वीडियो हो उसका ऑडियो यूज़ कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एल्बम करना है और कोई भी वीडियो हो, ये वाला वीडियो है उसका ऐड कर दिया, ये म्यूज़िक है, ये आ गया, अब बस हमें इसे यूज़ करना है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स, जो कि कभी यूज़ नहीं किया मैंने। और अगर आपको इसमें ओवर वॉइस भी करना हो, वीडियो के स्टार्टिंग में आपका वॉइस इसमें डालना है, तो यहाँ पे बीच में ऑप्शन है रिकॉर्ड, वहाँ पे क्लिक करके आप आपका वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड सकते हैं। देखिए ये स्टार्ट हो गया इसमें रिकॉर्डिंग करना और अब ये रिकॉर्ड कर रहा है, जहाँ तक आप बोलते रहोगे ये रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और अब हमें इसे स्टॉप करना है तो मिडल वाले बटन को स्टॉप कर दीजिए और ये हो गया ओवर वॉइस। ऐसे आप इसमें अपना वॉइस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट में भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर ब्लॉग करते हो तो आपको यहाँ पे लेबल्स दिखेंगे, कई सारे लेबल्स हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक जो लेबल्स चाहिए वैसे। टाइटल भी है, ये अभी ट्रेंडिंग में टाइटल, जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। कैप्शंस के लिए भी है, फ़ॉन्ट जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कलर बैकग्राउंड जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। स्टिकर भी आपको इसमें से मिल जाते हैं, जो भी स्टिकर पसंद हो उठा लो यूज़ कर लो। टेक्स्ट रिलेटेड बर्थडे कई सारे स्टिकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और लास्ट है जीफ, जो कि बेसिकली जीफ आपको पता ही है क्यों यूज़ होती है, तो आप जीफ कोई भी लेके उसे सेट करके यूज़ कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो जैसे आपको करना हो।
और आगे अगर ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो ये जो मोर लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है PIP, इसमें आप कोई भी वीडियो हो उसके ऊपर आपको इमेज सेट करनी हो तो आप आपके हिसाब से वो इमेज सेट करवा सकते हैं कहीं पे भी। जैसे वीडियो में होता है ना, पीछे वॉइस हो, आगे ऊपर कोई दूसरे वीडियो हो या इमेज हो, वो आप सेट करवा सकते हो, जैसे कि इसमें सेट हो गया है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में कुछ नहीं, रेडीमेड टेम्पलेट आपको वीडियो के मिलेंगे, हेलोवीन ग्राफिक्स रिलेट जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो। स्टिकर्स जो अभी हमने बताए वही स्टिकर है। उसके बाद है मोसाइक, कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं लेकिन मोसाइक ही लिखा है। यहाँ पे आप जो भी शेप यूज़ करना चाहते हो वो शेप ब्लर हो जाएगा। देखिए आप इस शेप को बड़ा छोटा जैसा करना चाहे आप कर सकते हैं। ब्लर भी लिखा है, ब्लर भी दो टाइप के, पिक्सेल ब्लर है जिसमें आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा, और प्लेन वाला ब्लर है, इसमें आप ओपेसिटी भी इसकी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जो भी आपको ब्लर यूज़ करना हो। उसके बाद है फिल्टर्स। फिल्टर्स भी अभी आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे फ़िल्टर के, 90s के फिल्म फिल्टर, ड्रीमी, जो फिल्टर आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। देखिए एडजस्टमेंट जो अभी हमने दिखा है वही एडजस्टमेंट में, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन, और वॉल्यूम में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, आप वॉल्यूम बंद कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मीडियम कर सकते हो, जो जैसा वॉल्यूम आपको यूज़ करना हो। उसके बाद है स्पीड। स्पीड में भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप स्लो मोशन कर सकते हो, फास्ट मोशन कर सकते हो। स्केल में आप जूम कर सकते हो, जैसे भी आपको इसे स्केल करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद है रोटेशन जो मैंने बता दिया है। ऑर्डर, ऑर्डर जो मैंने आपको बताया आप इसमें से इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आपको बस इसे प्रेस करना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है, जैसे भी आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, लास्ट वाला जो सेटिंग ऑप्शन है इसमें हमें कुछ नहीं करना है बस। और ये आपका वीडियो हो गया है रेडी। और एक भी इसमें है, ये जो आपने दो वीडियो कनेक्ट किए हुए हैं तो उसमें आप ये जो वाइट वाला आपको बॉक्स दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ग्राफिक्स दिखेंगे, जैसे कि ब्लैक और फिर दूसरा वीडियो शुरू होगा, वाइट या दूसरा वीडियो शुरू होगा, वैसे ही आपको कई सारे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए हमने ये वाला ग्राफिक यूज़ किया है, आप वैसे कई सारे ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। और हमारा वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्टिंग में इसमें टाइम लगेगा तो मेक श्योर कर ले कि आपका डिवाइस बंद ना हो, और आपका डिवाइस में जो ये ऐप है जो एक्सपोर्टिंग हो रहा है वो शुरू ही रहे। अगर आपका फ़ोन बंद हो गया या फिर ऐप बंद हो गई एक्सपोर्टिंग के टाइम तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपको फिर से एक्सपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई एडिटिंग की है और एडिटिंग करते करते आपका फ़ोन बंद हो गया या फिर ऐप बंद हो गई तो आपकी एडिटिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, एडिटिंग में कोई इशू नहीं है। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, उसके बाद आप डायरेक्टली भी इसे शेयर कर सकते हैं या फिर आपकी गैलरी में इसे एक्सपोर्ट हो गया जो हमने एडिट किया अभी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। आप फिर से इसे एडिट कर सकते हो अगर आपको इन फ्यूचर एडिट करना हो तो हम देख लेते हैं अभी गैलरी में ये वीडियो हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो अभी सेव हो गया होगा वीडियो में। ये देखिए ये वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट किया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप बेल नोटिफिकेशन ऑन। बाय।